स्वागत है आपका विकास फिटनेस गाइड में दोबारा। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है, और दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों आप हमें कमेंट भी करके बताना इस वीडियो के अंदर कि आज का वीडियो जो है थोड़ा डिस्कशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के ऊपर। दोस्तों टाइटल ये है आज के वीडियो का, सप्लीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड डू सप्लीमेंट्स आर रियली वर्क फॉर मसल गेन। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी तरफ ये है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक है, क्या सप्लीमेंट इंडस्ट्री रियली, जो भी सप्लीमेंट्स बनाती है करती है, क्या ये रियली आपके मसल्स गेन में हेल्प करते हैं, आपके परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ करते हैं, और ये जो है वाकई में आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है नहीं करता है। दोस्तों जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, जब आई थिंक अभी मेरी 35 एज है, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, जब मेरी एज थी 23 या 22 करीब एज थी, और मैंने 2-3 साल बॉडी बिल्डिंग करी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने भी बहुत से सप्लीमेंट्स लिए थे, करे थे। दोस्तों यार सप्लीमेंट जो है ना इतने वर्क नहीं करते मुझे, क्योंकि मुझे याद है दोस्तों सप्लीमेंट लेने से मेरा कोई वेट गेन नहीं होता था, क्योंकि मैं टिपिकल एक्टोमॉर्फ था। तो मेन जो वर्क करती है वो आपकी डाइट ही वर्क करती है। ये डाइट इज 100%, सप्लीमेंट्स आप वर्क ओनली 25% काम करते हैं, वो भी थोड़े बहुत अगर आपको लेना तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं सप्लीमेंट से पूरा डिपेंड होते हैं, सप्लीमेंट पर डिपेंड होने से कभी भी कोई मसल गेन नहीं होता, ना ही किसी की बॉडी बनती है, ना आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अच्छी फिजिक बनाने के लिए आपको यू मस्ट टेक अ गुड बैलेंस मील, आपको लेना बहुत जरूरी है अच्छी डाइट का, उसके बिना आप बॉडी नहीं बनाते। दोस्तों सप्लीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये लोग अपना मार्केट हर जगह फैला चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यार सप्लीमेंट जितने भी, उसके अंदर क्या है कोई नहीं बता सकता यार। ये लोग लिखते हैं कि 30 ग्राम पे 24 ग्राम प्रोटीन है, ये है वो है, दोस्तों ये सब झूठ है। किससे है, सब में कोई ना कोई परफॉर्मेंस ड्रग्स आती हैं करती हैं, जो आपके क्या कहते हैं आपके लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करती है, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है, आपको स्टिमुलेट कर देती है। तो मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे यार उनका प्लेसिव इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब ये कहता हूँ इनका प्लेसिव इफेक्ट ज़्यादा है सप्लीमेंट्स का बजाय नेचुरल डाइट के। तो दोस्तों नेचुरल डाइट पर आप जितना नहीं, जैसे अगर देखो तो वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं आप, वे प्रोटीन का इनका। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है ही नहीं। इवन आफ्टर पोस्ट वर्कआउट के बाद भी आपको वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, इसकी कोई नीड नहीं है। आफ्टर पोस्ट वर्कआउट आप एग करिए, एग की बायोलॉजिकल वैल्यू है जो बहुत अच्छी है, जो कि अराउंड 80 to 85 के बिटवीन है, मतलब लगभग करीब वे प्रोटीन से थोड़ी सी कम है, मतलब आराम से आपको 80 बायोलॉजिकल में अगर एग में मिलती है तो ये बहुत अच्छा है। तो आपको ईजिली बहुत अच्छा डाइजेस्ट होगा और प्रोटीन भी आपको बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट रिक्वायर कराएगा। दोस्तों एग है, चिकन है, आपका मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आपका पनीर है एज अ कैसिंग की तरह आपका काम करता है, चीज़ है आपका, काफ्स के अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके। तो आप नेचुरल डाइट आप करेंगे तो आप कम से कम 20, 25, 30 डेज बॉडी बिल्डर्स पर डे कर सकते हैं, इवन 40 एग्स पर डे भी वो लेते हैं कई बॉडी बिल्डर्स, ठीक है। और इसके अलावा आप 2 टाइम्स चिकन आप खा सकते हैं। तो आप जितना चिकन, क्योंकि 100 ग्राम चिकन में कम से कम 17 से 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, आप समझ लीजिए अगर आप कम से कम आधा किलो चिकन खाते हैं 250-250 ग्राम पे, तो आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है यार। यही सेम प्रोटीन अगर आप वे की बात करें तो वे इतना महंगा पड़ता है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मार्केट में बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के वे प्रोटीन है। लोगों को मिथ है कि आप वे प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी, यार वे प्रोटीन से किसी की भी कोई बॉडी नहीं बनती है, बॉडी बनती है नेचुरल डाइट से, परफेक्ट मील बैलेंस है, परफेक्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम से और एक्सरसाइज साइंस के बेस से। अगर आपको एक्सरसाइज साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप जानते हैं कि कौन सी मसल कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, कितना रेस्ट बिटवीन मसल के बीच में होना चाहिए, अगर इन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं तो आप इजीली बॉडी बना लेंगे विथ नेचुरल डाइट के साथ ही। पर नेचुरल डाइट में भी बहुत खर्चा है दोस्तों, सप्लीमेंट के बराबर है, वो भी मैं बता दूँ आपको। अगर आप रोज़ चिकन खाते हैं तो आपको आराम सप्लीमेंट के बराबर ही 7-8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आपका पड़ता है, और एग भी आप मिलाते हैं करते हैं तो मिनिमम 25-1 हज़ार का खर्चा है महीने का नेचुरल डाइट के साथ भी, अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, ओनली नेचुरल डाइट पर डिपेंड रहते हैं। तो दोस्तों यार और आप सप्लीमेंट भी साथ में ले रहे हैं, नेचुरल डाइट भी साथ में ले रहे हैं, तो आपका खर्चा डबल हो जाता है, पर आप सप्लीमेंट ज़्यादा डिपेंड रहते हो, नेचुरल डाइट पे कम डिपेंड होते हो जब आप सप्लीमेंट लेते हो, ठीक है। हाँ सप्लीमेंट का यूज़ आप ले सकते हो जब आप बाहर वो कर रहे हो तो आप वे प्रोटीन का यूज़ ले सकते हो, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा लेने की सलाह किसी को नहीं देता। बट बाहर भी मैं तो कहूँगा कि आप बाहर भी मतलब आपका एग का सोर्स है हर जगह अवेलेबल है, किसी से भी आप ऑफिस में आप कहीं भी काम करते हैं तो किसी भी अपने वर्कर से कह के आप एग मंगवा सकते हैं अपने लिए, एक प्लेट 10-10 बॉयल्ड एग ले लीजिए तो आपको ईजिली प्रोटीन अवेलेबल हो जाएगा। 10 एग का मतलब है इसमें 2 होल एग खा सकते हैं तो आपको आराम से 30 से करीब 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 30 से 32 ग्राम, मतलब वो करीब वे प्रोटीन से ज़्यादा ही मिलेगा आपको एग के अंदर। और इसके अलावा बहुत से प्री एंड पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और फैट लॉस के लिए भी बहुत सही है। दोस्तों फैट लॉस बिल्कुल भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, फैट लॉस से कोई सप्लीमेंट कोई आपको हेल्प नहीं करता, उसमें सिर्फ कैफेन होता है,
योमीन होता है, ये सब परफॉर्मेंस एनहांसेस एक तरीके के बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स हैं जो आपके माइंड को और थोड़ी देर के स्टिमुलेट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो एनर्जी लेवल बढ़ने से क्या थोड़ी बॉडी, आप अच्छे वर्कआउट करोगे, ज़्यादा देर तक वर्कआउट करोगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देगी, जिसे हम एरोबिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा देर आप वर्कआउट करेंगे उतनी ज़्यादा बॉडी आपका फैट यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर। मतलब आप धीरे धीरे वर्कआउट कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बहुत तेज़ भाग रहे हैं कर रहे हैं तो आप एरोबिक जोन में जाओगे, वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मार्केट में प्री वर्कआउट भी आते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी आते हैं। यार मैंने एक सप्लीमेंट का नाम सुना है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके साइड इफेक्ट भी है, जिसके बेनिफिट्स भी है। एनो का मतलब है एलर्जेनाइन। एलर्जेनाइन एक तरीके का प्रोटीन है जो आपकी बॉडी खुद भी बनाती है, बट अगर आप उसको एक्स्ट्रा लेंगे तो आपकी बॉडी में वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करती है, और ऑक्सीजन आपके ब्लड में ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती है। तो आपकी बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आप फोकस हो जाएंगे, आपका माइंड स्टिमुलेट हो जाएगा, आप एनजाइटी और डिप्रेशन से फ्री हो जाएंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपका माइंड फोकस हो जाएगा। तो आप सिर्फ अपने वर्कआउट पे ध्यान रखेंगे और आप बिल्कुल वर्कआउट करते रहेंगे, भी आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी। तो आपका वर्कआउट बहुत हैवी वर्कआउट आप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी अच्छी होगी, हैवी होगी, और आपका तो आप मतलब आपकी परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल बढ़ जाएगी। बस के साइड इफेक्ट ये है कि कई लोगों को एनजाइटी हो जाती है, कई लोगों को डिप्रेशन फील होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक कोई बंदा अगर नाइट्रिक ऑक्साइड या अर्जेनाइन सप्लीमेंट्स को यूज़ करता है तो उसको एनजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको स्पेशली उन लोगों को जिनको एनजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो उनको नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट कभी नहीं लेना चाहिए। और जिनको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम, स्पेशली उनको नींद नहीं आती या कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन लोगों को कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, या कोई भी फैट बर्नर नहीं लेना चाहिए। फैट बर्नर भी ऐसे सप्लीमेंट से एफेड्रा भी कई लोग डाल देते हैं, और जैसे ब्लैक मामा नाम से फैट बर्नर आता है, उससे मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे लिटरली यार, उसके इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा ख़राब इंग्रेडिएंट्स थे इसके अंदर। उसमें योमिन था, एफेड्रा था, कैफीन डाल रखा था, और पता नहीं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, सारी चीज़ें एक साथ। जब यार आप एक सप्लीमेंट में सारी चीज़ें मिक्स करके आप डाल देते हैं, तो कौन से इंग्रेडिएंट किस इंग्रेडिएंट से रिएक्शन कर सकता है आपको भी नहीं पता है कि आपके बॉडी में क्या रिएक्शन होने वाला है। मेरा एक क्लाइंट था, तो उसने ब्लैक मामा लेने की कोशिश करी, उसने ब्लैक मामा करीब 7-8 दिन लिया था, तो सडनली उसके साथ क्या हुआ, उसके एनजाइटी लेवल उसके बढ़ गए, उसको नींद आना बंद हो गई, और उसकी जो हार्ट रेट है ना, रेस्टिंग हार्ट रेट उसकी एकदम से बहुत बढ़ गई, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती थी जब वो एक्सरसाइज करते थे, हार्ट बीट बहुत तेज़ होती थी। क्योंकि यार ये आपको पता ही है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स है एक तरीके से और सप्लीमेंट्स से ही है, तो ये आपके एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं फैट बर्न करने के लिए, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी यार कोई भी और सप्लीमेंट इंडस्ट्री वैसे भी बहुत बड़ी है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, मसल फार्म है, बहुत से सप्लीमेंट है। जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के वाकई में सप्लीमेंट बहुत अच्छे हैं, मसल फार्म के अच्छे हैं, तो कुछ सप्लीमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में। बट मैं अभी भी कहूँगा सप्लीमेंट इंडस्ट्री का अभी भी कुछ नहीं पता कि ये लोग क्या मिलाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते उनके बारे में। क्योंकि यार नेचुरल है, जितना अच्छा रखो उतना अच्छा है, क्योंकि यार किसका कौन सा साइड इफेक्ट हो, कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और सडनली उनको साइड इफेक्ट होने जाता है, क्योंकि कई सप्लीमेंट पे ना कुछ मिला रहता है, हमें पता भी नहीं होता उसके अंदर क्या मिला हुआ है। मिला रहे समझ गए होंगे दोस्तों उसके अंदर क्या मिला होता है, तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट से थोड़ा दूर ही रहें आप लोग, और कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो आप उसका लैब टेस्ट करा सकते हैं, थोड़ा सा 1000-1100 रुपये लगेंगे, इतना महंगा सप्लीमेंट लेना तो 1000 रुपये और सही इस पर डालने के लिए। कोई भी आप अच्छे से लैब पे ले जाइए तो वो आपको लैब टेस्ट करके आपको दे सकते हैं, जो कि सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री और सप्लीमेंट्स के ऊपर लैब टेस्ट करते हैं, या कोई भी लैब, कोई भी सिंपल आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जो भी है वो बता देगा आपको कहाँ पे लैब टेस्ट हो सकता है सप्लीमेंट का, तो वो बता देंगे इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है, कार्ब्स की मात्रा कितनी है, फैट की मात्रा कितनी है, उसमें बाइल की वैल्यू, इसमें जो प्रोटीन इसके अंदर दिया गया है वो प्रोटीन इसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, प्रोटीन तो दिया होता है, वे प्रोटीन आइसोलेट है या वे प्रोटीन कंसनट्रेट है, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड है या नहीं है इसमें, तो तीनों ज़्यादातर वे प्रोटीन में तीनों चीज़ होती है, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कंसनट्रेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, सब में मिला रहता है। तो इससे ये पता लगता है इस टेस्ट करने से कि इनमें वाकई में इनके अंदर किसी वैल्यू प्रॉपर है या नहीं है। अगर इसकी बी वैल्यू प्रॉपर नहीं है तो इट्स नॉट अ गुड सप्लीमेंट। और इसके अंदर प्रोटीन का जो प्रोटीन की जो इसमें क्वांटिटी है, 30 ग्राम सर्विंग पे, 24 ग्राम का प्रोटीन है या नहीं है, इससे पता लग जाएगा। चलो 1-2 ग्राम कम चलता है तो ओके, कोई इससे फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो इट्स नॉट अ गुड प्रोटीन, और कुछ तो उसमें मिला हुआ तो नहीं है जो हमारे बॉडी को नुकसान करे, उसके साइड इफेक्ट्स को हमें नहीं झेलना पड़े इसलिए। तो ये सब चीज़ें यार,
और कोई भी ब्रांड, एक चीज़ और बताऊँ यार, मार्केट में एकदम से कोई भी ब्रांड आता है तो उसके तरफ भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट के डब्बे, क्योंकि सप्लीमेंट्स की जो पैकेट्स हैं, इनके पैकेजिंग जो होती है बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं, देखने का लगता है कि यार वाकई में बहुत अच्छा सप्लीमेंट होगा, मैं इसको लूँगा तो मुझे बहुत बेनिफिट्स होंगे, मुझे फ़ायदा होंगे, क्योंकि दिखने में तो सुंदर और लगता जरूर है यार, पर उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो कोई भी न्यू सप्लीमेंट मार्केट में आता है तो उसके तरफ भागने की एकदम से जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम रुकिए, करिए, कंपनी के बारे में देखिए, पढ़िए, जानिए, तो कोई सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले उसके बाद 100 बार सोचिए, उसके बाद थोड़ा रिसर्च चाहिए, उसके बाद ही सप्लीमेंट को यूज़ करें, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो आपको पता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आपने देखा होगा बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बहुत परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को यूज़ करते हैं, तो उनके साइड इफेक्ट उनको भुगतने पड़ते हैं। और यू नो यार, जो भी हाई लेवल के बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जो ओलंपिया के लिए प्रैक्टिस करते हैं, या आर्नोल्ड क्लासिक के लिए लड़ रहे कर रहे हैं, मिस्टर इंडिया तक के लिए भी जो लोग जाने की कोशिश करते हैं, इसमें इंडिया में तो कोई करियर इतना अच्छा है नहीं, बट फिर भी लोग कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं यार, तो यार ऐसी ऐसी चीज़ें करने को बहुत सी हो सकता है सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं तो यार उसके साइड इफेक्ट में भुगतने पड़ते हैं, और लॉन्ग टर्म तक यार किडनी पर इफेक्ट होता ही है, आप इतना हैवी प्रोटीन लेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि हमें एक हमारी हर हर मतलब हर डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे आपका, अगर आपकी जीन्स बहुत अच्छे हैं तो आप इजीली बॉडी बिल्ड कर लेंगे, अगर आपकी जीन्स अच्छे नहीं है तो आप बॉडी बिल्ड करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बॉडी तो बिल्ड हो जाएगी बट इतनी अच्छी बॉडी बिल्ड नहीं हो पाएगी जो कि एक अच्छे जीन्स वाले पर्सन के होते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा यार क्या बॉडी है उसकी, क्या बाइसेप्स है यार, उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं इसलिए वो बहुत इतनी अच्छी फिजिक अचीव कर पाए, जैसे मेरे जेनेटिक्स तो अच्छे नहीं है, मैं इतनी अच्छी फिजिक अचीव नहीं कर सकता, हो जाता है आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हो, आप 1 साल के अंदर अच्छी डाइट के साथ और थोड़ा बहुत 20% सप्लीमेंट यूज़ करके आप अच्छी बॉडी बना सकते हो, तो वो आपके जीन्स अच्छे हैं तो इसलिए आप बना सकते हो, मेरे जीन्स अच्छे नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बना सकता, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या है और कैसी नहीं है। तो कभी भी एक्सरसाइज करो तो अपने बॉडी टाइप को सबसे पहले जानो, और सप्लीमेंट पर डिपेंड बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट इसलिए बहुत बड़ी स्कैम है, बहुत ही है, अपने नेचुरल वेट गेन चाहिए घर पर बनाइए, और नेचुरल वे प्रोटीन भी आप घर पर बना सकते हो अपना, सिंपल है, मिल्क है, आपका कर्ड है, ये सब है, चीज़ है, ये सब आपके नेचुरल चीज़ें हैं जो आप घर पर यूज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी बना सकते हो इजीली, एग है, चिकन है आपके पास, इससे भी आप यूज़ कर सकते हो, ग्रेन्स है, दालें हैं, इसको आप लेकिन नेचुरल थोड़ा बहुत मिस, सारे आप मिस करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा, हाउएवर वेज प्रोटीन इज नॉट अ कम्प्लीट प्रोटीन, उसको कम्प्लीट करने के लिए आपको सारे दालों को मिस करना पड़ेगा, जब जाके इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है कम्प्लीट होगी, ठीक है। कम्प्लीट प्रोटीन का सोर्स है आपका चिकन, एग हो गया, मिल्क हो गया, वे हो गया, ये सब आपका कम्प्लीट प्रोटीन का सोर्स है, तो इनको ज़्यादा फोकस करें बजाय वेज प्रोटीन के, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो काफ़ी देर का हो गया है, 12 मिनट हो चुके हैं हमको बनाते हुए, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस टॉपिक पर जरूर बात करें, कमेंट में हमें बताएं कि यार क्या सप्लीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।